एक लव्य बना बैठा हूं, गुरु दौड़ तो मिलते ही नहीं, गर यूं ही मिल भी गए तो दृष्टिकोण अब मिलते ही नहीं। दोस्तों, आपकी ये खोज समाप्त हो गई है, समाप्त होने वाली है, आपका दृष्टिकोण भी मिलेगा और आप सफलता के अंतिम ऊंचाई पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि संस्थान में यूपीएसआई का एक लव्य बैच प्रारंभ है। आपने इसके पहले सभी गुरुजनों के माध्यम से अलग अलग विषयों की कक्षाओं को देखा। इसी क्रम में मैं आर कुमार आज सामान्य विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष आया हूं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कंकाल हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आखिर अगर मैं खड़ा होकर के आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, देखकर आप भी हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने हाथों से कुछ लिख रहे हैं, तो इन सब में हमारे कंकाल का क्या योगदान है, आज हम इसी विषय पर आप सभी से चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को हाल ही में मालूम हुआ है कि यूपीएसआई की बम्पर वैकेंसी आपके सामने आई है, और ईश्वर सभी व्यक्ति को एक साथ दिमाग और अच्छी शरीर नहीं देता। दोस्तों, यदि आपका सपना है कि आप समाज हित में कार्य करें और समाज में अपना नाम भी ऊंचा करें और समाज सुधारक भी बने, तो आपके लिए ये वैकेंसी एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आई है, क्योंकि ईश्वर शरीर और दिमाग एक साथ सभी को नहीं देता। किसी को शरीर, किसी को दिमाग मिलता है, किसी किसी को दोनों मिलता है, और जिसको दोनों मिलता है उसी को मौका मिलता है कि वह एसआई या फिर फोर्स जैसी भर्तियों में शामिल हो सके। सो आज मैं कामना करता हूं आप सभी से कि आप भी ईश्वर की अनुकंपा से जो आपका सपना है अपने कंधे पर स्टार सजाने का, तो ये सपना आपका साकार हो, और इस आपके सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से भी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र यूपीएसआई के एकलव्य बैच के लिए। दोस्तों, अगर कंकाल तंत्र की बात करी जाए, कंकाल की बात करी जाए, तो जीवों के शरीर की मजबूती, उनके शरीर का आकार, उनके शरीर की कठोरता उनके कंकाल पर निर्भर करती है। आप देखिए, अगर सर्प रेंग कर चलता है तो कंकाल के कारण, अगर मनुष्य खड़ा है, बैठा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, तो कंकाल के कारण, और कंकाल के कारण ही मछलियां सफलतापूर्वक जल में तैरती रहती हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर का कंकाल एक हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, और उन्हीं हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल नाम दे देते हैं। अगर हम हड्डियों के ढांचे की बात करें, तो पहले आप ढांचा समझिए। बचपन में हम लोग जब वर्षा होने के बाद खेलते थे, तो पहले हम मिट्टी को भुरभुरी कर लेते थे, और मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद उसी मिट्टी को एक ग्लास में भर करके, और इसको अच्छी से इसमें मिट्टी ठूस करके, इसको जब हम पलटते थे दोस्तों, तो हमें एक इस तरह से ग्लास का आकार मिलता था। आप सबने बचपन में किया होगा, अगर किया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि मिट्टी में भर, गिलास में भर करके मिट्टी, एक ऐसा सांचा बनाना। आप देखिए, जब ईंटें बनती है दोस्तों, जब ईंटें बनती हैं तो ईंट का बाकायदा एक सांचा होता है, और इसी सांचे में, इसी खांचे में मिट्टी को भर करके ईंटें बनाई जाती हैं। तो जैसे ये सब सांचा होता है, वैसे हमारा शरीर भी एक सांचा से बना हुआ है, हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, जिसको हम कंकाल कहते हैं। और कंकाल हमारे शरीर का, पूरे शरीर का 14% भाग है, ये भी आप जानते रहिएगा। दोस्तों, अगर हम कंकाल की बात करें, तो हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र, स्क्रेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र दोस्तों क्या होता है, हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे का बना है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। हम ये परिभाषा दे सकते हैं कि हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे का बना है, हड्डियों के
ढांचे का बना है, ढांचे का बना है, बना है, इसी ढांचे को, इसी ढांचे को कंकाल कहते हैं। इसी ढांचे को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, कंकाल कहते हैं। और दोस्तों कंकाल तंत्र का अध्ययन आप जानते रहिए, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और संपूर्ण शरीर का, जितना पूरा शरीर का भार होता है, संपूर्ण शरीर का 14% भाग दोस्तों किसका बना होता है? हड्डियों का बना होता है, हमारे कंकाल का बना होता है। अगर कंकाल है तो हम स्थिर खड़े हैं, अगर कंकाल है तो हम चल पाते हैं, अगर कंकाल है तो हम सो पाते हैं। दोस्तों कंकाल हमारे शरीर में, आप देखिए अगर बात करें कंकाल की, तो कंकाल के कारण ही जो हमारे आंतरिक अंग हैं वो अंदर सुरक्षित हैं। कंकाल के कारण ही मांसपेशियां हड्डियों से, कंकाल से जुड़ करके हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। जरा सोचिए अगर मांसपेशियां नहीं होती हड्डियों पर, तो दोस्तों शरीर कैसा लगता? दिल अंदर धक धक करता दिखाई देता और फेफड़ा अंदर सांस लेता हुआ दिखाई देता। तो दोस्तों कंकाल के बारे में इतना पॉइंट देखिए। कंकाल का कार्य पूछता है, ये आखिर कंकाल करता क्या है हमारे शरीर में? अगर हम कंकाल के कार्य की दोस्तों बात करें, तो देखिए सबसे पहला जो इसका कार्य होता है वो ये होता है कि शरीर को निश्चित आकार देना, आकार एवं आकृति, आकार एवं आकृति प्रदान करना। तो शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना दोस्तों ये कंकाल का कार्य है। जरा देखिए कंकाल हमें एक सुंदर आकार, सुंदर अपर्चर, सुंदर आकृति प्रदान करता है। अगर कंकाल दोस्तों हमारा इतना सुव्यवस्थित ना होता तो क्या हमारा शरीर इतना व्यवस्थित रहता? अब सोचिए अगर सबके कंकाल डिफरेंट होते तो कैसा लगता? किसी का ये हाथ सीने से निकला होता, किसी का पैर पीठ से निकला होता, किसी के कान माथे पर होते, किसी की नाक बगल में होती। तो कंकाल अगर हमारा इतना व्यवस्थित ना होता तो आपका चेहरा इतना सुंदर भी नहीं होता। तो कंकाल के कारण ही हमारे शरीर को सुंदर आकार और आकृति प्रदान होती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कार्य देखिए, शरीर को सहारा देना। यानी कंकाल के कारण ही हम लोग दौड़ सकते हैं, हम लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, कुछ लोग एक पैर पर खड़े होकर के नाग बन जाते हैं कंकाल के कारण ही। लोग डांसिंग करते हैं दोस्तों, खूब डांस करते हैं हाथों में हाथ डाल करके, कैसे? कंकाल इतना व्यवस्थित है कि लोग अपने शरीर का संतुलन आसानी से बना सकते हैं। एक पैर पर खड़े होते हैं, एक हाथ पर खड़े जाते हैं, तो दोस्तों कंकाल के कारण सब पॉसिबल हो पाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, शरीर के आंतरिक और कोमल अंगों की सुरक्षा करना। शरीर के आंतरिक व कोमल अंगों की सुरक्षा करना। अब देखिए ये कैसे हो पाता है, शरीर के कोमल अंगों, आंतरिक व कोमल अंगों की सुरक्षा करना कैसे हो पाता है? जरा देखिए हमारा मस्तिष्क इतना सेंसिटिव भाग है, अगर कोई छू दे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ये कपाल से घिरा हुआ है। कपाल दोस्तों कंकाल का हिस्सा है। हमारा हृदय हमारी पसलियों के पीछे है, पसलियां कंकाल का हिस्सा है। अगर आप किसी को परेशान करते, किसी का दिल तोड़ते, तो कंकाल अगर ना होता तो सीधे आपका दिल निकाल लेता हो, है ना? सोचिए, लेकिन कंकाल क्या है? आपको बचाए हुए है, सिक्योर कर रहा है। तो हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये सभी संवेदी अंग हैं, बहुत सेंसिटिव ऑर्गेन है दोस्तों, बहुत कोमल अंग है। लेकिन इन कोमल अंगों की सुरक्षा कौन करने वाला है? कंकाल करने वाला है दोस्तों। और देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि रक्त का निर्माण कहां होता है? आपको पता है रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा आप जानते हैं हड्डियों के बीच का जो भाग है उसको हम बोन मैरो कहते हैं दोस्तों, उसको हम अस्थि
मज्जा कहते हैं तो कहां होता है, कंकाल के बीच में। और हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों से जुड़कर मांसपेशियों से जुड़कर चलने फिरने दौड़ने व सोने में सहायता करना। चलने फिरने दौड़ने और सोने में दोस्तों सहायता करना, ये सभी कंकाल का कार्य है। जरा आप देख लीजिए, शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना, शरीर को सहारा देना, शरीर के आंतरिक और कोमल संवेदी अंगों की सुरक्षा करना, रक्त का निर्माण करना, मांसपेशियों से जुड़ करके चलने फिरने दौड़ने में सहायता करना। कुछ हड्डियां इतनी सेंसिटिव होती हैं जो बाहर के कंपन को महसूस करती, जैसे कान, जो कान की अस्थियां हैं बाहर के कंपन को महसूस करती हैं और महसूस करने के बाद उसको आंतरिक कर्ण में भेज देती हैं, जिससे हमारे कान में ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों ये सभी क्या किसका कार्य होता है, कंकाल का कार्य होता है। अब पूरे कंकाल को देखिए, हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जब कंकाल को हम पढ़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड करके इसको हम पढ़ते हैं। जरा देखिए हमारे शरीर की बनावट के आधार पर कंकाल दो प्रकार का कैसे है, कंकाल दो प्रकार दोस्तों कैसे हो पाता है, ये आप खुद देखिए और खुद समझिए। देखिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में एक बाहरी भाग होता है जिसको हम वाह कंकाल कहते हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों एक वाह कंकाल जिसको हम कहते हैं एग्जोस्केलेटन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जोस्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं दोस्तों। और एक होता है आंतरिक कंकाल जिसको हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन। तो आंतरिक कंकाल और वाह कंकाल, ये कंकाल के दो भाग हैं। जो वाह कंकाल होता है हमारे त्वचा के, हमारे शरीर के ऊपर होता है, चर्म और अधिचर्म से बनी हुई रचनाएं होती हैं जो प्रायः मृत होती हैं। ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म और मीसोडर्म से बना होता है। कई सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, स्पेशली हम कह सकते हैं कि भ्रूणीय एक्टोडर्म व मीसोडर्म से निर्मित। ये दोस्तों बोल सकते हैं चर्म व अधिचर्म, जो चर्म और अधिचर्म होता है यही बाद में क्या बन जाता है, यही बाद दोस्तों बन जाता है वाह कंकाल। और हम कहते हैं ये मृत प्राय भाग होता है, ये प्राय दोस्तों क्या होता है, मृत प्राय भाग होता है। और ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की दोस्तों क्या करता है, सुरक्षा करता है, क्योंकि जो वाह कंकाल है वो सर्दी व गर्मी में शरीर को सुरक्षा देता है, सर्दी व गर्मी में शरीर को सुरक्षा देता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे वाह कंकाल कैसे सर्दी और गर्मी में हमारी बॉडी को सिक्योर करता है, जरा समझिए। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल इतने बड़े होते, इतने घने होते, इतने मजबूत होते हैं कि उनको सर्दी और गर्मी से बचाते हैं। आप देखिए जो भेड़ के बाल होते हैं कितने ऊलन होते हैं, उसको सर्दियों से बचाते हैं। दोस्तों हम कहते हैं कि इस वाह कंकाल में हम शामिल किसको कर सकते हैं, तो देखिए बाल, नाखून, सींग, खुर, पक्षियों के पर, कछुए का खोल, घोंघे का कवच, ये सब क्या है, मछली का सल्क, ये सब वाह कंकाल का हिस्सा है। जरा दोस्तों आप देखिए कि क्या क्या आता है वाह कंकाल में। दोस्तों यह देखिए यहां पर क्या, ये इंसेक्ट है जो इसका
शरीर का जो आवरण है वो दोस्तों काइटिन का बना होता है, ये भी क्या है, ये भी वाह कंकाल है। देखिए यहां पर बीटल है इंसेक्ट, इसका भी जो कंकाल है वो वाह कंकाल है, ये काइटिन का बना होता है दोस्तों। यहां देखिए मकड़ी का जो कंकाल है अरेक्नाइड का होता है, स्पाइडर का, ये भी काइटिन का बना हुआ कंकाल दोस्तों होता है। देखिए यहां पर श्रिम्प है तो इसका कंकाल है दोस्तों, ये भी क्या होता है, वाह कंकाल का हिस्सा है, एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है। बाकी यहां देखिए दोस्तों यहां पर मोलस्का है, सीप है, इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का वाह कंकाल होता है। यहां देखिए दोस्तों स्नेल यानी घोंघा है, यह भी मोलस्का है, इसके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाह कंकाल पाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यही सब वाह कंकाल है, इतना मजबूत कवच होता है वाह कंकाल, सीप में मजबूत कवच होता है वाह कंकाल दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। और यहां देखिए काइटिन के बने कंकाल होते हैं, और भी कंकाल दोस्तों होता है, जरा आप समझिएगा, कंकाल और भी होते जो वाह कंकाल कहे जाते हैं। आप देखिए यहां पर कछुआ है, इसके जो शरीर के ऊपर का कवच है, यहां देखिए पशुओं का खुर और दोस्तों सींग, पशुओं का खुर और सींग, ये सभी क्या है, वाह कंकाल का हिस्सा है। वैसे हमारे अंदर देखिए बाल, नाखून, सींग पशुओं में, खुर पक्षी का पर, पक्षियों का पर यानी कि फीदर दोस्तों, ये सभी क्या है, वाह कंकाल का हिस्सा है। एग्जाम में पूछता है कैसे बने होते हैं, तो नो डाउट आप क्या बताओगे, ये अल्फा किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, ये सभी अल्फा किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं, बाल, नाखून, सींग, खुर। ये देखिए जैसे फीमेल में नहीं होता सैंडल होती हाई हील की, वैसे पशुओं में भी हाई हील की सैंडल है, जो हाई हील की सैंडल ये होती है, ये कैसे बनी होती है, अल्फा किरेटिन की बनी होती है, वाह कंकाल का हिस्सा है दोस्तों। यहां देखिए आप सींग होती है, ये सब क्या है, वाह कंकाल का हिस्सा है। अब जरा देखिए जो वाह कंकाल है किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है इन सभी को दोस्तों। मैंने इसलिए कहा कि जो वाह कंकाल होता है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सभी क्या है, वाह कंकाल का हिस्सा है दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बताएंगे, जो शरीर का वाह कंकाल होता है शरीर की सुरक्षा करता है सर्दी और गर्मी से दोस्तों, या एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म या मीसोडर्म का बना होता है, चर्म और अधिचर्म होता है, प्राय मृत प्राय होता है, डेड होता है बाद में दोस्तों, क्या होता है, ये डेड हो जाता है, ये भी आप चीजों को जानते रहिएगा, ये वाह कंकाल का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे यहां पर दोस्तों आंतरिक कंकाल की बात। अब जो आंतरिक कंकाल होता है ये कैसे बनता है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म का बना होता है, मीसोडर्म। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर किताब में आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली मैं कहता हूं किताब में ज्यादा नहीं मिलेगा ये सब पॉइंट्स, लेकिन ये सब पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एसआई का स्तर तो आप जानते ही हैं कि एसआई में किस प्रकार की परीक्षा होती है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको तैयारी को अपने बना के रखना होगा। और दोस्तों अदरवाइज अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य बैच 2021 UPSI, आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप एंट्री UPSI लिख करके हमें व्हाट्सएप करें, जिसके बाद आपको बैच से संबंधित सारी जानकारियां तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां देखिए ये जो आंतरिक कंकाल होता है ये मीसोडर्म का बना होता है, इसमें हम दो चीजें शामिल कर सकते हैं, एक शामिल करते हैं अस्थि को जो त्वचा के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं बोन दोस्तों। एक है उपास्थि, यह भी त्वचा के अंदर होती है, लेकिन हड्डियां जहां ठोस और कठोर होती है वहीं उपास्थियां दोस्तों लचीली होती है और कोमल होती है, कार्टिलेज इनको बोलते हैं, इनको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दो भाग हो गए कंकाल, आंतरिक कंकाल के। आइए हम बात करते हैं अस्थियों पर, देखते हैं अस्थियां हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप देखिए हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब विकसित डेवलप एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है मां के भ्रूण के अंदर, मां के गर्भाशय में, तो उसमें 300 के ऊपर हड्डियां होती हैं और जन्म के समय 270 हड्डियां दोस्तों। धीरे धीरे जब वो वयस्क बनता है तो कुल 206 हड्डियां बचती हैं। तो हड्डियां पहले 300 प्लस थी, फिर 270 हो गई, फिर 206 बची, कैसे, क्योंकि हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और हड्डियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को हम ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं, अस्थि जनन नाम देते हैं। आइए दोस्तों बात करें यहां पर अस्थियों के बारे में। अगर हम अस्थियों की बात करें
तो अस्थि जिसको हम कहते हैं बोन, अस्थि यानी कि बोन, अगर बोन की बात की जाए तो दोस्तों बोन हम किसे कह सकते हैं, अस्थि हम किसे कह सकते हैं? देखिए एक मजबूत कठोर और ठोस भाग जिसको हम अस्थि कहते हैं, यानी कि ठोस कठोर एवं मजबूत, एवं मजबूत भाग जो जो संयोजी उत्कों से बना होता है, जो संयोजी उत्कों से बना होता है, उत्कों से बना होता है, तो कहते हैं कि एक ठोस मजबूत कठोर भाग जो कैसे बना होता है, जो संयोजी उत्कों से बना होता है, इसके बारे में आप एक चीज ध्यान दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है संयोजी उतक, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी उतक होता है, इसके विशेष तौर पर इसके बारे में आप ध्यान देना कैसे बनता है दोस्तों। तो ये बनता है दो चीजों से, ये बनता है दो चीजों से, इसमें दो चीजें होती हैं, एक दोस्तों क्या होता है कोलेजन होता है, एक होता है कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु जो कितना परसेंट होता है 33% लगभग होता है दोस्तों, और एक चीज क्या होती है मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स होती है इसी मैट्रिक्स में, इसी मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों कुछ अलग चीजें होती, जैसे इसमें क्या होता है इसी मैट्रिक्स में दोस्तों कैल्शियम होगा, इसी में फास्फोरस होगा, और इसी मैट्रिक्स में मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम दोस्तों, ये सभी चीजें कहां होती हैं, ये सभी चीजें मैट्रिक्स में भरी होती हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और दोस्तों इसी में क्या होता है जल होता है, जो कि पूरा अस्थि का 50% लगभग अप्रोक्स हम बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है जल होता है, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम और जल, ये हमारी अस्थियों में दोस्तों होता है। और एक पॉइंट यहां पर बनता है कि अस्थियां मजबूत कैसे होती हैं, अगर मजबूती की बात की जाए दोस्तों, मजबूती की बात करी जाए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, और किस लिए मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियां मजबूत होती हैं, हमारी अस्थियां क्या होती कैल्शियम कार्बोनेट से और मैग्नीशियम से मजबूत होती हैं, इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा कि अस्थियों में मजबूती कैसे होती है, तो आपका आंसर होगा जो हमारी अस्थियां हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से मजबूत होती हैं, अस्थियों में कोलेजन तंतु होता है, मैट्रिक्स होता है जिसमें कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम और जल होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि हमारी हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन कौन सा, और हां हड्डियों में कौन सी सेल होती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर प्रोटीन की, तो हड्डियों के अंदर आसिन प्रोटीन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने योग्य है बिल्कुल, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन दोस्तों होता है, आसिन प्रोटीन है, वो मैक्सिमम होता है, और एक कोशिका होती है ऑस्टियोब्लास्ट, भाई दो कोशिका एक्चुअली होती है, इसको आप अच्छे से देखेंगे अच्छे से समझेंगे, दो कोशिकाएं होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और दो कोशिकाएं दोस्तों एक कोशिका और होती है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, तो दो कोशिकाएं होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट और एक कोशिका होती है ऑस्टियोक्लास्ट, तो दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट अस्थियों का निर्माण करती है, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं हड्डियों का विनाश करती है, देखा आप सभी ने, तो एक विनाश करने वाला और एक विकास करने वाला, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हड्डियों का विकास करेंगी, ये डेवलप करती है बोन को, और यहां जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये हड्डियों का विनाश करती है, तो एक विनाश करती है दोस्तों और एक क्या करती है, एक विकास करती है। कभी कभी अगर आपसे पूछ दे कि जो आवरण होता है ये क्या होता है, जो झिल्ली होती है हमारे हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, हड्डियों के ऊपर दोस्तों क्या होती है, पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम दोस्तों क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान देना, उसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम की पतली सी झिल्ली होती है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको हर जगह ना मिले, लेकिन दोस्तों ध्यान देना, एक पतली सी झिल्ली होती है, किस चीज की होती है, वो पेरिस्टोमियम की होती है,
ठीक है ना, किस चीज की होती है, तो पेरिस्टोमियम की होती है। हमारी हड्डियों के ऊपर एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत दोस्तों पतली झिल्ली होती है। अब यहां देखिए, यहां कौन से पॉइंट बन सकते हैं, यहां पॉइंट्स ये बनते हैं कि हमारी हड्डियां आखिर होती कितनी है, नंबर ऑफ बोन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी काफी परेशान करता है आप सभी को, लेकिन यहां पर देखिए हम बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अगर हम बात करें कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों नंबर ऑफ बोन की बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ बोन की बात करी जाए तो बोन, नंबर ऑफ बोन देखिए, तो अगर बोन की हम बात करें, भ्रूण में, शिशु के अंदर, तो भ्रूण में शिशु के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो हम कहते हैं दोस्तों कुल अस्थियों की संख्या 300 प्लस होती है। 300 प्लस, कहीं 306 मिलता है, कहीं 308 मिलता है, 300 प्लस आप ध्यान दीजिएगा। और हां, जन्म के बाद दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं, तो कुल होती हैं 270 हड्डियां। और वयस्क में अगर हम बात करें कि एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी, 206 होती है। 206 हड्डियां होती हैं वयस्क में। और जब बच्चा दोस्तों, जब जो भ्रूण में रहता है बच्चा, शिशु रहता है, तो उसके अंदर 300 प्लस और जन्म के बाद 270, दोस्तों वयस्क में कितनी, 206 हड्डियां होती हैं। कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता है कि हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों आपने ये हड्डियों के प्रकार के बारे में हो सकता नहीं सुना होगा, लेकिन दो प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक हड्डी जिसका नाम क्या है, काला जात अस्थि। दोस्तों एक क्या होता है, उपास्थि जात अस्थि। तो काला जात अस्थि और उपास्थि जात अस्थि, दोस्तों अस्थियां ये दो प्रकार की अस्थियां होती हैं। और अगर हम बात करें ये कहां होती हैं और इनको क्यों डिवाइड करते हैं दो भाग में, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसी हड्डियां जो संयोजी ऊतकों की झिल्ली से बनी होती हैं, उनको हम कहते हैं काला जात अस्थि, इनको हम मेम्ब्रेन बोन भी कह सकते हैं। यानी ऐसी अस्थियां जो ऊतकों की झिल्ली से बनी होती है वो काला जात अस्थि है, मेम्ब्रेन बोन इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि जो खोपड़ी की चपटी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी की सभी चपटी हड्डियां काला जात में आती हैं। अगर उपास्थि जात अस्थियों की बात करें, तो दोस्तों ऐसी हड्डियां जो भ्रूण के अंदर उपास्थियों का स्थान ले लेती हैं, यानी उपास्थियों को नष्ट करके बनती हैं, उनको हम बोलते हैं उपास्थि जात बोन, कार्टिलेज बोन दोस्तों कहते हैं। जैसे हमारे पैरों की और हमारे कशेरुक दंड की, वर्टेबल कॉलन की जो अस्थियां होती हैं, उनको हम उपास्थि जात अस्थि कहते हैं। दोस्तों इतने पॉइंट अस्थियों के बारे में आपने जान लिए हैं। अब अगर हम अस्थि की बात करें, तो एक अच्छा सा डायग्राम बना के समझते हैं अस्थियों को। पहले देखिए दोस्तों, जो हमारी अस्थियां होती हैं, आपने सुना होगा अस्थियों के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे दो अस्थियां कैसे आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि दो अस्थियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, उनके बीच में क्या भरा होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो आइए हम विचार करते हैं, आइए हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर, ऐसे प्रश्न पर। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या है, बोन है, यानी ये अस्थि है, ये बोन हो गई। और यहां देखिए बीच में कुछ भरा होता है, और बीच में दोस्तों जो भरा होता है उसको हम कहते हैं लिगामेंट। क्या बोलेंगे, लिगामेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्नायु। दोस्तों ये क्या होता है, स्नायु होता है या लिगामेंट होता है। और इसके बाद जो हमारी जो ये भाग दोस्तों होता है, ये वाला भाग जो है, इस भाग को हम पेशी कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं, अर्थात मसल कहते हैं। तो यहां आप देखिए, ये बोन और ये मसल, इन दोनों के बीच दोस्तों एक भाग होता है जो मसल्स को बोन से जोड़कर रखता है। ये समझिए कि एक प्रकार का फेविकोल है।
एक प्रकार का दोस्तों फेविकोल है, फेविक्विक है, जो जोड़ के रखता है किसको, मसल्स को, बोन के साथ। तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं टेंडन। दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देते हैं टेंडन। तो टेंडन होता है ये, टेंडन होता है ये, जो टेंडन है वो जोड़ता है मसल को किससे, मसल को बोन से, मसल को बोन से, यानी कि पेशी को, हड्डी से। कौन जोड़ रहा है, यहां देखिए टेंडन जोड़ रहा है, इसको हम कॉन्ड्रा कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिगामेंट दोस्तों किसको जोड़ता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है। तो दो हड्डियां देखी है, एक हड्डी यहां, एक हड्डी यहां, दोनों हड्डियों के बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है दोस्तों, जो ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। यही लिगामेंट है, अगर ये लिगामेंट खत्म हो जाता है दोस्तों तो जोड़ों में दर्द होता है। आप देखिए इसी लिगामेंट के कारण हम लोग अपने हाथ पैर को आसानी से हिला डुला सकते हैं, आसानी से हम पैरों को मूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हड्डियों पर जोड़ होता है। और दो हड्डियां कैसे जुड़ी होती हैं, दो हड्डियां लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी होती हैं। हम जोड़ भी पढ़ेंगे कि हमारी खोपड़ी में कौन सा जोड़ है भैया, या हमारे हाथ में कौन सा जोड़ है, तो हमारी तरह आप भी एक्सरसाइज करते रहिए। यहां पर कौन सा जोड़ है, अंगुलियों में कौन सा जोड़ है, यहां कौन सा जोड़ है, कलाई में कौन सा जोड़ है, ये सारे पॉइंट बनते हैं। घुटने में कौन सा जोड़ है, ये दिखा नहीं पाऊंगा इसको। देखिए दोस्तों अब इसी देखिए अस्थियों के बीच में दो चीजें और आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। दो चीजें क्या क्या होती हैं, यही देखिए इसी में बोन मैरो होता है। एक होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो हमारी हड्डियों के बीच दोस्तों। और एक क्या होता है, एक होता है एलो बोन मैरो, एलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो और एलो बोन मैरो, एलो बोन मैरो। दोस्तों ये बोन मैरो क्या होता है, देखिए इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। दोस्तों ये अस्थि, ये मज्जा गुहा में होता है, ये मज्जा गुहा में होता है, इसको हम अस्थि मज्जा कह सकते हैं। जो अस्थि मज्जाएं होती हैं यहां पर, इसी में कोशिका होती है जिसको कहते हैं दोस्तों, जिसको नाम देते हैं हिमेटोपोएटिक सेल। और जो हिमेटोपोएटिक सेल होती है वो अस्थि मज्जाओं के अंदर होती है, और यही हिमेटोपोएटिक सेल फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का निर्माण करती है। जो रेड बोन मैरो है इसमें क्या बनता है, आरबीसी बन जाता है, आरबीसी बन जाता है। जो एलो बोन मैरो दोस्तों इसमें डब्ल्यूबीसी बन जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण रक्त कोशिकाओं के द्वारा अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जाएं अस्थियों के अंदर होती हैं। दो अस्थियां आपस में लिगामेंट के द्वारा, किसके माध्यम से, लिगामेंट के द्वारा। और दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जो पसलियां, जो हमारी पेशियां होती हैं, जो हमारी मसल्स है, जो हमारी पेशियां हैं, वो हड्डियों से, टेंडन के माध्यम से, कोंडेरा के माध्यम से आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसके बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये अस्थि रही, अब देखिए आपने क्या जाना, अस्थि जनन जाना। आपने समझ लिया कि अस्थि जनन क्या होता है, अस्थियां कैसे आपस में जुड़ती हैं। तो भ्रूण में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 प्लस होती हैं, जन्म के बाद 270 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों जब व्यक्ति वयस्क बनता है तो 206 हड्डियां होती हैं। और हड्डियां कम क्यों होती हैं, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कम होती है। और दोस्तों हड्डियां कम इसलिए होती हैं क्योंकि वो आपस में जुड़ती हैं, और हड्डियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया ऑस्टियोजेनेसिस कहलाती है, अस्थि जनन कहलाती है। आइए यहां पर कुछ वन लाइनर पॉइंट देखते हैं। और पॉइंट ये है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये बने कि सबसे सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है नंबर फर्स्ट, और सबसे सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है नंबर फर्स्ट, और सबसे सबसे चपटी हड्डी कौन सी है, सबसे चपटी अस्थि कौन सी है नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इन सब के विषय में बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, सब में हम फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे सभी के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर अस्थियों की, तो यहां पर दिया हुआ सबसे लंबी हड्डी कौन सी, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। इसके लिए आपको मैं कहीं पर लेके चलता हूं, और आते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर। इन भाई साहब को देखिए, ये बिना किसी मसल्स के हैं,
कुछ भी नहीं, बस कंकाल खड़ा हुआ है दोस्तों, यही कंकाल है। कल्पना करिए अगर हम लोग ऐसे होते तो कोई व्यक्ति किसी को पहचान नहीं पाता कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। और जब दौड़ते तो खूब आवाज होती यहां से खट 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 की। देखिए सबसे लंबी अस्थि की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहां से जो यहां तक अस्थि है इसका नाम दोस्तों क्या है, फीमर। इसको हम कहते हैं उरुअस्थि बोलते हैं, उरुअस्थि बोलते हैं दोस्तों, फीमर है। और फीमर के बाद देखिए एक हड्डी और यहां पर है, फिबुला। फिबुला है, फिबुला। फिर दोस्तों हमारे कानों के अंदर देखिए जहां कान है यहां पर हड्डी होती है, इसको हम कहते हैं स्टेप्स। दोस्तों यहां पर कान में क्या होती है, स्टेप्स होती है। और कलाई में यहां पर एक हड्डी होती है, कार्पल। दोस्तों एक हड्डी क्या है, कार्पल है। और फिर देखिए इसके बाद ये जो पसलियां हैं, आप जानते हैं कि पसलियां 12 जोड़ी होती है जिसमें 1 से 7 ट्रू रिब्स होती है और 8 से 10 फॉल्स रिब्स होती है। 11वीं और 12वीं ये प्लावी यानी कि फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये आप जानते रहिए। लेकिन पसलियों को आपस में जोड़ता कौन है, तो बीच में एक चपटी सी हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, जिसका दोस्तों नाम है स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या करती है, पसलियों को रिब्स को आपस में जोड़ के रखती है। और दूसरी हड्डी देखिए यहां पर कंधे के पीछे वाली, जिसको हम कहते हैं स्कैपुला। दोस्तों इस स्कैपुला को हम क्या बोल सकते हैं, दोस्तों इस स्कैपुला को बोलते हैं कि ये कंधे के पीछे की हड्डी है। तो एक बार फिर से आपको मैं इन सारी हड्डियों के बारे में दिखा दूं दोस्तों, ये सारी जो हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां आप देखिए ये है फीमर, यहां दोस्तों फिबुला, यहां देखिए कान में स्ट्रैप्स, और इसके बाद कलाई में कार्पल, और दोस्तों फिर देखिए स्टर्नम, और ये क्या है, स्कैपुला है। इन सभी हड्डियों को मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि इन्हीं से हमारा ये पॉइंट बनेगा। देखिए इन्हीं से हमारा दोस्तों पॉइंट बनेगा ये, जैसे कि सबसे सबसे लंबी अस्थि कौन सी दोस्तों, पहली कौन सी है, पहली है फीमर यानी कि उरुअस्थि। और ये कहां होती है, जांग में होती दोस्तों, थाई में होती है। फिर क्या है, नंबर सेकंड है सबसे लंबी अस्थि दोस्तों क्या होती है, ये होती है फेबुला। और दोस्तों ये कहां होती है, ये होती है हमारी पिंडली में, पिंडली में होती है, यानी कि घुटने के नीचे वाली हड्डी। फिर दोस्तों क्या, सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स होती है, और स्टेप्स कहां है, कानों में होती है, कान में होती है, स्टेप्स कान में होती है। और सेकंड क्या है, कार्पल, और कार्पल कहां होती है, कार्पल होती दोस्तों कलाई के अंदर। तो कार्पल दूसरी सबसे छोटी हड्डी है, और कार्पल कहां होती है, कार्पल कलाई में होती है। और सबसे चपटी अस्थि की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या होती है, स्टर्नम। और स्टर्नम कहां होती है दोस्तों, ये होती है पसली के बीच होती है, पसलियों को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ती है स्टर्नम, स्टर्नम। और दोस्तों फिर सेकंड नंबर पर क्या है, स्कैपुला है। और स्कैपुला कहां की हड्डी है दोस्तों, स्कैपुला जो हड्डी होती है वो कंधे के पीछे की हड्डी है, कंधे के पीछे की हड्डी क्या होती है दोस्तों, वो स्कैपुला होती है। तो देख लीजिए आप लोग, यहां पर सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये मैं कहता हूं वन लाइनर पॉइंट्स हैं, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहां दो फीमर और स्टेप्स हैं, ये तो अनगिनत बार आए हुए हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह संज्ञान में रखिएगा, ये आगे भी परीक्षा में आ सकते हैं। एक पॉइंट मैं दोस्तों और मेंशन करूंगा यहां पर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि खोखली हड्डियां किसमें होती है, खोखली हड्डियां किसमें पाई जाती हैं, तो जरा सोचिए आप लोग, एनालिसिस करिए कि यार खोखली हड्डियां, अगर जिसमें खोखली हड्डियां होंगी तो इसका मतलब यह है कि वो आसानी से उड़ सकेगा ना, हड्डियों में हवा भरी होगी, जाहिर सी बात है। आपने सही समझा, जो पक्षियां होती हैं, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। तो नीचे पॉइंट करेंगे कि खोखली हड्डियां किसकी होती हैं, तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे, जो पक्षियां हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, यहां पर अस्थि को हमने डिस्कस किया, यानी हमने अस्थि को डिस्कस कर लिया कि जो क्या होती है, ये कठोर है, मजबूत है, ठोस है, संयोजी ऊतक की बनी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर हम उपास्थियों की बात करें तो उपास्थियां भी कैल्शियम और फास्फोरस की ही बनी होती हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जरा देखिए, ये देखिए कान, यहां उपास्थि है, ये पारदर्शी भले होती है, लेकिन दोस्तों ये देखिए घूम रहा है ना, यहां देखिए नाक,
ये भी घूम रहा है, सब लोग अपना मत बताइए, मैं देखिए दिखा रहा हूं यहां पर ये नाक। दोस्तों यहां पर भी क्या होती है, यहां पर उपास्थि होती है, हमारी पसलियों के बीच में क्या है, उपास्थियां हैं, रीढ़ की हड्डी जो है वर्टेब्रल कॉलन यहां पर दोस्तों क्या है, पसलियां हैं। तो हम इसके विषय में दोस्तों बात करेंगे। तो कहते हैं जो पसली जो हमारी उपास्थियां होती है, उपास्थियों के विषय में आइए बात करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें उपास्थियों की, तो नाक में भी उपास्थि है, कान में भी उपास्थि है, और पसलियों के बीच दोस्तों क्या है, उपास्थि है, वर्टेब्रल कॉलन में दोस्तों क्या होती है, उपास्थि होती है। तो हम उपास्थि की बात करने चल रहे हैं आप सभी से, यानी कार्टिलेज की बात करने चल रहे हैं। उपास्थि कार्टिलेज, उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज, चलिए उपास्थि यानी दोस्तों कार्टिलेज। अगर हम उपास्थियों की बात करें तो हम कहते हैं अर्ध ठोस पारदर्शी, कहते हैं कि अर्ध ठोस पारदर्शी, पारदर्शी लचीली, लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित, लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित, ग्लाइकोप्रोटीन से, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है ना, तो कहेंगे कि अर्धठोस पारदर्शी लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित होती हैं। और दोस्तों इनका जो निर्माण होता है, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इनका निर्माण भी कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। और दोस्तों इनका निर्माण भी कैल्शियम और फास्फोरस से हो गया। और कहते हैं कि इनमें लचक क्यों होती है, इनमें एक निश्चित सीमा तक फ्लेक्सिबिलिटी होती, लचक होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। और कहते हैं इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पर प्रोटीन की बात कर ली जाए तो प्रोटीन यहां दोस्तों कौन सा होता है, हम कहते हैं कांड्रिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी, कांड्रिन प्रोटीन। और कहते हैं कि कोशिका कौन सी होती है यहां पर, तो कोशिका की अगर बात करी जाए तो कहते हैं कि यहां दोस्तों कांड्रियोसाइट कोशिका होती है, कांड्रियोसाइट कोशिका होती है, कांड्रियोसाइट कोशिका हमारी उपास्थियों में पाई जाती है। और यहां दोस्तों उपास्थियों में मैट्रिक्स भरा होता है, और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इलास्टिन और कोलेजन, यानी जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मैट्रिक्स के कारण होती है, और इसमें इलास्टिन होता है, इलास्टिन तंतु है दोस्तों, इलास्टिन व कोलेजन तंतु, इलास्टिन और कोलेजन के कारण दोस्तों इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इसके चारों ओर की झिल्ली क्या होती है, जो हमारी ये उपास्थि है ना, इसके चारों ओर एक पतली सी झिल्ली है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं जो झिल्ली होती है, जो आवरण होता है, कहते हैं पेरी कांड्रियम, पेरी कांड्रियम। तो पेरी कांड्रियम का आवरण होता है उपास्थियों के चारों तरफ। तो ये अस्थि और उपास्थि आपने देख लिया, यहां पर कुछ पॉइंट बन जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो हमारे कपाल में होती है कुल 29 हड्डियां, क्योंकि हमारे यहां जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां, कपाल में 8, कान में 6, चेहरे पर 14, गले में हॉइड। और कहते हैं कि हमारे अग्रवक्ष जो हमारा वक्ष है, इसमें कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, इसमें होती है 25 हड्डियां, कितनी होती है, 25 हड्डियां होती हैं हमारे वक्ष में, 12 जोड़ी पसलियां, जिसमें 1 से 7 जोड़ी क्या होती है, ट्रू होती है, 8 से 10 क्या होती है, 3 जोड़ी ये फॉल्स होती है, 11वीं और 12वीं जोड़ी क्या होती है, प्लावी होती है, और पसलियों को जोड़ने वाला क्या होता है, स्टर्नम। तो दोस्तों कुल कितना, 25 हो गया। और पीछे अगर हम देखें तो दोस्तों वर्टेब्रल कॉलन में कुल 26 हड्डियां होती हैं, होती तो 33 हैं, लेकिन कुछ आपस में जुड़ जाती हैं, उनको जोड़ करके एक ही पढ़ते हैं, कुल 26 होती है दोस्तों यहां पर पीछे वर्टेब्रल कॉलन के अंदर। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर पिक्टोरल गिर्डल यानी जिसको कहते हो अंश मेखला, यानी ये और ए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पिक्टोरल गिर्डल, अंश मेखला, और यह जो कूल्हा है इसको हम बोलते हैं श्रोणि मेखला, पेल्विक गिर्डल, कुल कितना होता है, 6 होता है। और अगर दोस्तों देखें हम तो हमारे हाथों में कितनी हड्डियां, हाथों में 2 ह्यूमरस, और दोस्तों कहते हैं 4 टीबिया और फिबुला,
16 कलाई में 10 दोस्तों क्या होता है, मेटाकार्पल होता है, और यहां देखिए उंगलियां 28 होती हैं, तो कुल हमारे पैरों में 60 हड्डियां, और दोस्तों हाथों में कितनी होती है 60 हड्डियां, अगर हम सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा 206 हड्डियां आएगा। 206 हड्डियों के विस्तृत नाम और हड्डियों के जोड़ के बारे में, संधियों के बारे में चर्चा हम करेंगे एक बार फिर आप सभी से मिल करके। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, यूपीएसआई के लिए शानदार एक लव्य बैच प्रारंभ है, आप निश्चित तौर पर इस बैच से जुड़ करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यहां चुनौती के साथ जब हम पढ़ाएंगे तो आपको याद करवाएंगे, याद ही नहीं दोस्तों आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम सभी ने ठाना है आपको यूपीएसआई बनाना है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।